बिपाशा बासु ने आज रक्षाबंधन का त्योहार अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। इस दौरान बिपाशा रेड सूट में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने अपने लुक को रेड बैंगल्स, बिंदी और सिंदूर से कंप्लीट किया। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बिपाशा ने अपने घर पर पूजा भी रखी थी और इस दौरान उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर भी नजर आए। रक्षाबंधन के दिन बिपाशा ने अपने मुंह बोले भाइयों रॉकी एस और सोहम शाह को राखी बांधी। राखी सेलिब्रेशन की कई सारी फोटोज बिपाशा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस दौरान उनकी माँ भी साथ नजर आई। वहीं सभी ने मिलकर इस त्योहार के दिन पूजा भी रखी। युग में वह कौन सा व्रत और तप है जिसके कारण से मनोवांछित फल मिलता है? हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन्य दान्य देने वाला कोई उपाय बताए। हम सब ऋषि। बिपाशा को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब इस बात पर करण ने खुलकर बात की है और बताया है कि वे लोग अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। करण सिंह ग्रोवर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, फिर शादी होती है और बाद में फैमिली प्लानिंग करते हैं। पता नहीं क्यों लोग हमारे परिवार की योजना बना रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये योजना हमें ही बनाने देनी चाहिए। वहीं करण ने मजाक करते हुए कहा है, मैंने कई बार इतने लोगों को बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। क्या आप मेरे चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो देख सकते हैं? वहीं करण ने साफ कर दिया है कि अभी वो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं वर्क फ्रेंड की बात करें तो करण लास्ट टाइम वेब शो कबूल है 2.0 में नजर आए थे। वहीं बिपाशा बासु भी करण सिंह ग्रोवर के साथ लास्ट टाइम एक वेब सीरीज डेंजरस में नजर आई थी। इसके बाद वो काफी लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर है। तो दोस्तों, आपको बिपाशा बासु की राखी सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।